हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमानी एंड आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन टीजर्स में। तो चलिए गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ अबैकस। तो आज की वीडियो में हम 4 to 5 अबैकस के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड इसमें मैं आपको लास्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि कौन सा अबैकस सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लाइक माय पॉइंट ऑफ व्यू है वो। उसके अलावा बहुत सारे लोगों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, किसी को कोई अबैकस अच्छा लगेगा, कोई किड्स के अकॉर्डिंग देखेगा, कोई कैलकुलेशन के लिए, बिजनेसमैन देखेंगे, ट्रेडर्स देखेंगे, तो सबके अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं। तो लास्ट में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने वाली हूँ कि मुझे कौन सा अबैकस सुटेबल लगता है सबके लिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जापानीज अबैकस की, देन हम बात करेंगे चाइनीज अबैकस, रशियन अबैकस, रोमन अबैकस एंड क्रैनमर अबैकस। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे चाइनीज अबैकस की। चाइनीज अबैकस को हम स्वैन पेन बोलते हैं। जनरली इसके अंदर 13 रोड्स रहती हैं जिसमें लोअर डेक एंड अपर डेक, सॉरी आपको मैं पहले अपर डेक एंड लोअर डेक बता देती हूँ। ये हमारा नॉर्मल अबैकस है जिससे मैं वीडियोस बनाती हूँ, इसे जापानीज अबैकस बोला जाता है। ये है हमारा लोअर डेक एंड ये है हमारा अपर डेक। इसमें लोअर डेक में, जापानीज में नहीं, चाइनीज़ की बात कर रही हूँ, चाइनीज अबैकस में लोअर डेक में 5 बीड्स रहते हैं एंड अपर डेक में 2 बीड्स रहते हैं, जिनमें लोअर डेक की वैल्यू रहती है 1, 2, 3 and 4 एंड अपर डेक की वैल्यू रहती है 5। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है चाइनीज़ के लिए। चाइनीज़ पीपल जो हैं इस अबैकस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, स्वैन पेन अबैकस को, क्योंकि ये इनके ट्रेड्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। चाइनीज़ पीपल, बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जापानीज अबैकस। जापानीज अबैकस वही सोरोबिन, इसका नेम है सोरोबिन। इसमें लोअर डेक में जैसा कि आप देख सकते हैं 4 बीड्स रहते हैं एंड अपर डेक में 1 बीड रहता है। लोअर डेक में 4 बीड्स, इनकी वैल्यू 1, 2, 3 and 4 एंड अपर डेक में जो 1 बीड है उसकी वैल्यू होती है 5। एंड जो जापानीज अबैकस है सोरोबिन, इसके जो रोड्स होती हैं वो ओड वैल्यूज़ में रहती हैं, लाइक 13, 15, 17, 19 ऐसे रोड्स होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए भी एंड बड़ों के लिए भी। नेक्स्ट है हमारा रोमन अबैकस। रोमन अबैकस, रोमन के पीपल ने जब उनको नीड लगी कैलकुलेशन के लिए कोई डिवाइस चाहिए था, देन उन्होंने बाय हैंड रोमन अबैकस बनाया था। लेकिन रोमन अबैकस उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं था, सिंपली उन्होंने उस टाइम पे उसको यूज़ करने के लिए एक टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढा था उसका, वो पर उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इसका सबसे बड़ा फीचर लेकिन ये है, जो रोमन अबैकस है वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल मतलब इजीली आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। तो उसी रोमन अबैकस की पोर्टेबल वाली क्वालिटी को देखते हुए सारे जो अबैकस अब बनाए जाते हैं वो मोस्टली पोर्टेबल ही होते हैं। लेकिन रोमन अबैकस का जैसे कि मैंने बोला उतना ज़्यादा नहीं चल पाया था, उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं है। नेक्स्ट है हमारा रशियन अबैकस, जिसे बोला जाता है शॉर्टी, शॉर्टी, SCHOTY, शॉर्टी। इसमें जनरली 13 रोड्स रहती हैं और बोला जाए तो लाइक हम बोलते हैं ये हमारा अपर डेक, लोअर डेक, तो जो हमारा रशियन अबैकस होता है उसमें सेपरेशन नहीं होता है, लाइक ये रोड से सेपरेशन नहीं होता है, ना ही अपर डेक होता है ना ही लोअर डेक होता है। उसमें जनरली हॉरिजॉन्टल में रोज रहती हैं, ठीक है, बी मतलब रोड रहती है, लाइक उसको यूज़ किया जाता है। उसमें अगर 13 रोड्स हैं तो उनमें से जो 12 रोड्स होती हैं उनमें तो सब में 10 बीड्स रहते हैं, लेकिन जो 1 रोड होता है उसमें 4 बीड्स रहते हैं। एंड जो वो 4 बीड्स होते हैं वो मिडल में रहते हैं, नॉर्मली मिडल में रहते हैं, एंड उन 4 बीड्स का यूज़ फ्रैक्शन के लिए किया जाता है। मैथ्स में हमारा टॉपिक होता है फ्रैक्शन, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर हम करते हैं, वो फ्रैक्शन के लिए उसको यूज़ किया जाता है। एंड जो रशियन अबैकस है उनके अंदर जो बीड्स का कलर होता है वो ब्लैक, वाइट, सिल्वर, गोल्डन इस तरीके से मिलता है, एंड वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है। रशियन पीपल नॉर्मली उस अबैकस का यूज़ अपनी करेंसी को काउंट करने के लिए करते हैं, जो उनकी करेंसी है रूबल उसको काउंट करने के लिए वो उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रैनमर अबैकस, लास्ट वन, क्रैनमर अबैकस।
इसको इन्वेंट किया था टिम क्रैनमर ने। मैंने अपनी एक वीडियो में ये बताया था, जो अबैकस की वीडियो है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था अबैकस क्या होता है, अबैकस के क्या बेनिफिट्स हैं। उसमें मैंने आपको क्रैनमर की, सॉरी हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री ऑफ अबैकस की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्रैनमर कौन थे, वो अबैकस को इंडिया में कैसे लेकर आए थे। तो मैं उसी चीज़ को मैं फिर से रिपीट करने वाली हूँ। तो क्रैनमर अबैकस जो था वो टिम क्रैनमर लेकर आए थे इंडिया में। इनको लाने का मोटिव उनका यही था, वो ब्लाइंड पीपल के लिए कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइस लाना चाहते थे, तो वो क्रैनमर अबैकस लेकर आए थे। टिम क्रैनमर जो थे वो बचपन से ही ब्लाइंड थे, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो क्रैनमर अबैकस इंडिया में लेकर आए थे। इस क्रैनमर अबैकस में नॉर्मली 13 रोड्स रहती हैं, जिसके जो बीट्स ऐसे होते हैं, अगर उनको एक पोजीशन पे फिक्स कर दिया जाए तो वो उसी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। ये पर्पस इसका भी आप समझ सकते हैं, ब्लाइंड पीपल के लिए था, ब्लाइंड चिल्ड्रन के लिए था। तो बीट्स अगर फिक्स नहीं रहेंगे एक जगह पे यूज़ करने के बाद, तो ब्लाइंड पीपल को प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए ही उन बीट्स को ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि जब उनको किसी पोजीशन पर फिक्स किया जाए तो वहाँ पर वो फिक्स हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट में उनको चेंज किया जा सकता था, वो परमानेंटली फिक्स नहीं होते थे। तो इस तरीके से ये थे कुछ अबैकस के टाइप्स। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाली हूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अबैकस मुझे सुटेबल लगता है सबके लिए, मतलब किड्स के लिए भी, ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए। मैं प्रेफर करूँगी जापानीज अबैकस सोरुबिन, जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पूरे वर्ल्ड में इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है, क्योंकि इसको इजीली यूज़ किया जा सकता है एंड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं इससे हम। किड्स को भी ये सुटेबल लगता है एंड साथ में इसमें रोड्स ज़्यादा होने की वजह से बड़ी कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। और सारे अबैकस में शायद हम ज़्यादा लार्ज कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, बिगर कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस अबैकस में हम बिगर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ अबैकस के टाइप्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, एंड मुझे सपोर्ट करते रहिएगा।